पैलेस की ना सब जगह एक गार्डन में निकलती है आई थिंक ऑटोमन। ओ माय गॉड, ये देख ये वाला फ्लावर चेक करें, इसको आप इसे नहीं तोड़ सकती हैं यार। सोच लो आप सुल्तान हैं, आपको कॉफी लेके आके इधर से, ये बिल्कुल बॉस्फोरस ब्रिज, उस टाइम तो बॉस्फोरस ब्रिज थोड़ी थी। एंट्रेंस गेट ऑफ टोपकापा पैलेस, ये स्टाफ ऑफ द प्रोफेट मोसेस, हजरती मूसा की आशा है। फूट प्रिंट ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे, शुक्र अल्लाह का। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों की ना बहुत काम पे आएगा ये वीडियो। आज मैं इस्तांबुल में एक दिन एज ए टूरिस्ट फिरूंगी। मैं इधर की लोकल हूँ, मुझे पता है किधर जाना, क्या करना, कैसे करना, कहाँ पे शॉपिंग करना, किधर से पैसा खर्च करना। लेकिन आज इस्तांबुल में मैं खुद टूरिस्ट बनूंगी। सारी एक दिन में कौन से टूरिस्टिक जगह जाना है, कहाँ से शॉपिंग करना है, किधर से खाना खाना है। मेरी आज की बजट होगा 1000 टर्किश लिरा। मैं वो 1000 टर्किश लिरा से शॉपिंग भी करनी है, खाना भी खानी है, और बहुत अच्छा वीडियो आएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर वन डे एज ए टूरिस्ट व्लॉग इन इस्तांबुल। ये इस्तांबुल में एज ए टूरिस्ट आनी है तो हमारी पहली लोकेशन है ब्लू मॉस्क। 2 साल से ब्लू मॉस्क बंद था, लेकिन ओपन हो गया ये लास्ट वाला रमज़ान के साथ। काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी टूर गाइड के साथ आ चुके हैं, लेकिन हमारी टूर गाइड नहीं है, हम आज अकेला फिर लेंगे। क्योंकि एक टूर गाइड का प्राइस है 50 यूरो, आपको ऐसे अंदर लेके जाते हैं, सारी चीज़ें एज ए हिस्टोरी के साथ दिखा देती हैं, लेकिन हमने आज जाके खुद फिर लेंगे। बाहर से ये लड़का है किस तरह कपड़े पहनना है और लड़की है किस तरह कपड़े पहनना है, ये सारी इन्होंने ना इंस्ट्रक्शंस दी हैं। अभी अंदर चले जाती हैं। यार बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा है। आई थिंक शूज ना निकाल के हमारी हाथ से लेके जाना है, क्योंकि सारे लोग शूज ऐसे लेके जाती हैं। वाओ, ये देख, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत रश है। पहली दफ़ा हजो सोफिया से इतनी ज़्यादा रश मैंने देखा अभी। ये नमाज की जगह है इसलिए ये जगह बंद है, टूरिस्ट अंदर नहीं जा सकती हैं, लेकिन इधर सारी टूरिस्ट आके देख सकती हैं। हजो सोफिया की जैसे अंदर इतनी बड़ा नहीं है, बट ये जगह भी बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देती हूँ, ये है हमारी ब्लू मॉस्क, हम इसको तुर्किश में कहती है सुल्तान अहमद जामी, क्योंकि ये सुल्तान अहमद ने बनाया था 1616 में। लेकिन आप लोग इसको इंग्लिश में ब्लू मॉस्क कहती हैं, इसकी ये वजह है कि क्योंकि इसकी एक कुब्बा है ना, एक कुब्बा नहीं, इसकी सारी कुब्बे अंदर से ब्लू वाला स्टोन से उन्होंने बनाई है, इसलिए आप लोग इसको ब्लू मॉस्क कहती हैं। लेकिन इसकी नॉर्मल तुर्किश असली नाम है सुल्तान अहमद मस्जिद। ब्लू मॉस्क की ना लाइक सुल्तान अहमद की बिल्कुल लगे थोड़ी साइड से आके, इधर ना हुर्रम सुल्तान की हमाम है। हुर्रम सुल्तान ने 1556 में एग्जैक्टली इसी इलाका में ना ये वाला हमाम बना दिया है। ये तो बहुत बड़ा हमाम है, ऐसे इधर से स्टार्ट होती हैं एंड तक, अंदर नहीं जा सकती हैं, अंदर बंद है, बट ये हुर्रम सुल्तान के हमाम है। अभी काफ़ी ज़्यादा लोग जा रही हैं हजो सोफिया, अभी हम भी हजो सोफिया के लिए जाएंगे, क्योंकि ब्लू मॉस्क में इतनी ज़्यादा रश और लाइन नहीं थी, लेकिन हजो सोफिया में बहुत लंबा लाइन है। अभी हम उसी लाइन पे जा रही है, वेट कर लेंगे, लेट्स सी अंदर कब तक पहुंचना है। हमने हजो सोफिया के अंदर जाना था, लेकिन मैं अभी आपको दिखाती हूँ इतनी लाइन इधर से स्टार्ट होती हैं, ये ख़त्म नहीं हो रही है। मैं इसे दिखाती हूँ, ये मस्जिद के अंदर एंड तक है ना, काफ़ी ज़्यादा लाइन है, लेकिन हम अभी हजी सोफिया के अंदर नहीं जाएंगे, फिर किसी और दिन। अगर आप लोगों ने हजी सोफिया देखना चाहते हैं, प्लीज़ थोड़ी जल्दी आ जाए, क्योंकि
इतनी गर्मी में इतनी लंबा लाइन देखना पड़ती है। अभी हम इधर से डायरेक्टली नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। हमने करनी है नाश्ता, ठीक है, इतनी वो फैंसी वाला नाश्ता नहीं करना। हमने एज यूजुअल तुर्की सिमित खानी है। अगर चाहते इसके अंदर चॉकलेट, चाहते इसके अंदर चीज रख सकते हैं। ने कदर आप सिमित? सिमित 7.5 लीटर 20 लीटर। अच्छा, सिमित ऐसे खाली 7.5 तुर्की शीरा की है। अगर आपने चीज डालना चाहती है 20, अगर चॉकलेट डालना चाहती है 20 तुर्की शीरा के। इकी थाने पेनिर अलाबिलिन मिस? तभी मुझे ना ऐसे खाली खाना तो अच्छा नहीं लगता, मैंने अंदर ना चीज डालनी है। हमने चीज वाला खानी है। बंदा ने सलाम सोला कि मैं सलाम सिमितचिनी सलाम वर्दे वो कह रहे कि सिमित वाला के अंकल को सबको सलाम है। ऐसे हमने दो बैगल ले। इचेजेक वार मा? इचेजेक बार शो कार्सदा वार, बिदे शो बुफेदे वार। तमाम ड्रिंक्स भी आई थिंक इधर ही से लेना है। ये हमारी सिमित है, हमने ले लिया। हमने एक लेमनेड एक स्प्राइट ले लिया। टोटल मैंने 50 तुर्कीश लिरा पे किया। जब आप लोग इधर ना एज ए टूरिस्ट आती हैं, कह रही है कि यार बहुत महंगा है भाई, टूरिस्टिक इलाका में ये बहुत महंगे। आप इसको ना टूरिस्ट थोड़ी सी बाहर जगह से और मार्केट से ले लें, ये दोनों आपको लाइक 15 तुर्कीश लिरा लगेगा। हमने पे किया 50, लाइक काफ़ी ज़्यादा ना प्राइस की फ़र्क है। अदरवाइज यही इलाका में, हाँ अगर आप लोग आना चाहती है बाहर से, थोड़ी सी ना वो कर लो, अपनी चीज़ें बाहर से लेके आ जाओ, ऐसे खा लो, क्योंकि इधर से डबल प्राइस देना पड़ती है। हज़रत सोफिया की लाइन चल रही है, चल रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। हम अभी नीचे जा रही है थोपकप पलास के लिए। अगर किसी को गिफ्ट करना चाहती हैं, इधर हज़रत सोफिया है, उसके बाद इधर मेडन थावर्स है। ये सारी चीज़ें 25 तुर्कीश लिरा से स्टार्ट करती हैं, 50 तुर्कीश लिरा तक जाती हैं। लेकिन अभी थोप कप ने तरफ था योलू सोना साइड, ऐसे रास्ता से हमने राइट लेके ऊपर जाना है। अभी हम एंटर किया थोप कप पलास। ये थोपकप पलास के एंट्रेंस से, ये भी उसकी बिल्कुल साथ गुलहाना का पार्क है। ये थोपकप पलास का हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये बता सकती हूँ 600 ईयर्स की ओटोमन एम्पायर के पावर, इन्होंने 400 ईयर्स की सारी सुल्तान, जितनी भी सुल्तान आए, सारी थोपकप पलास में ही रहती थी। इसलिए अंदर एज ए हिस्ट्री बहुत अमेजिंग है। अगर आप लोगों ने देखा होगा अठुरुल का ड्रामा, कुरुश उस्मान का ड्रामा, आपको पता चलेगा ओटोमन एम्पायर ही स्टार्ट कैसे किया और आगे कैसे गई। अंदर जाके मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंटर करने से पहले हमने जाके टिकट लेना है, लेकिन टिकट्स आर सो एक्सपेंसिव, लाइक 650 तुर्कीश लिरा एक फॉरेनर की है। आई डोंट नो तुर्कीश लोगों की कितनी है, क्योंकि मेरे पास म्यूजियम कार्ड भी है, बट 650 लीरा फॉर वन फॉरेनर, ये भी बहुत महंगा है। एंट्रेंस गेट ऑफ थोपकप पलास। ये ओटोमन एम्पायर की किचन की रास्ता है। इन्होंने ना इधर एक कैफे खोल दिया है, तुर्किश कॉफ़ी और स्वीट वगैरह खाना चाहती हैं इधर आ सकती है। इन्होंने एग्जैक्टली किचन के एक पार्ट को ऐसे इसके अंदर ना रेस्टोरेंट लाइक कॉफ़ी शॉप बना दिया है। आपको पलास की अंदर की ना चीज़ें स्टफ नज़र आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 19th सेंचुरी के ना थोबाको पाइप है। इधर ये वाला कारपेट, जब मुझे ये कारपेट ऐसे नज़र आया ना, मुझे लाइक पाकिस्तान और इंडिया की वो कपड़े की फीलिंग्स आ गया इससे बहुत अच्छे से। ये सारी चीज़ें आपको, ये भी 19th सेंचुरी से ना एक कॉफ़ी डिश कवर है। कॉफ़ी डिश कवर ही ऐसी है, ऐसे तुर्किश कॉफ़ी सर्व कर रही थी। ये लोग अभी भी, ये तुर्किश कॉफ़ी की कल्चर तुर्की में चल रही है ना। फिर के ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक हम ओटोमन एम्पायर की किचन की कॉरिडोर में है, वही ख़त्म नहीं हुआ।
हमने हरम पे जाना है, दूसरी जगह पे जाना है। मैंने एक कॉफ़ी ले लिया, अगर आपके पास म्यूज़ियम कार्ड है, म्यूज़ियम कार्ड में ये कॉफ़ी आपको 20% डिस्काउंट में आती है। अभी हम कॉरिडोर में अभी वॉक कर रही है, ऐसा लग रही है ना हुर्रम सुल्तान की मूवी की शूटिंग अभी मेरी बाहर हो रही है। अभी इधर ही एंटर कर रही है सराय मुतफा 19वीं यूजियल लाइक पैलेस किचन 19th century। चले अंदर क्या है, इन्होंने इतनी अच्छा से हिफाजत रखा है ना सारी सामान का एक एक। ये है सारी ओथमान की, ओथमान एम्पायर की किचन की स्टाफ है। फॉर एग्जांपल ये वाला सुल्तान सेकंड महमूद की ना, उसने वालिद सुल्तान की उसकी अम्मी के लिए यही प्लेट उसने ख़रीद के लेके आई है। अभी भी ना यही स्टाइल की खाना का सर्विंग प्लेट वगैरह चुटकी में चल रही है बाय द वे। ये वाला आई थिंक कैंडल्स के लिए है, ये कैंडल की है। आप लोग इधर से देख लें, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ना कौन से मज़े का लगा, ये खाना का प्लेट है। इवन ये खाने का प्लेट भी नहीं है, ऊपर ना अल्लाह का नाम लिखा है, सूरा लिखा है, कुरान से ना आयत लिखा है। ये बहुत, ये इस ओथमान एम्पायर की लाइक किचन के स्टाफ की ना सबसे हिफाजत उन्होंने यही जगह पर रखी है। ये भी है सुल्तान सेकंड महमूद की डिनर सर्विस सेट है, आपको नज़र आ रही है, सो फैंसी और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है नया है। ये नहीं है कि 600 पुराना की चीज़ें है, यही आई डोंट नो इन्होंने सफाई वगैरह कैसे कर रही है, ये बिल्कुल नया है। ओए हंस हंस, ये मेरी जहेज की एक सेट हो यार, कितनी महंगो होगी, ओबियसली ये लोग देती नहीं है। ये भी सुल्तान अब्दुल अजीज ही उसकी डिनर सेट है। लोग के लिए खाना बनाने थोड़ी आसान था। ये है कॉपर फ्राइंग पैन से, ये 18th century से है। इधर आपको नज़र आती है उनकी बड़ा बड़ा स्पून्स, खाना ऐसे ही मिक्स हो रही थी। ये भी स्ट्रेनर स्पून, ये सारी चीज़ें इधर ही हैं। इधर आपको ओथमान एम्पायर में ये पलास के अंदर मोर देन 4000 लोग रहती थी, और ये भी सारी कुपर है, ये 18th century से है। सारी खाना वगैरह ना इसकी अंदर ही बना रही थी। हम मेन एंट्रेंस से अंदर जा रहे हैं, इधर बैठने की जगह है। ऊपर से पहले ही ओथमान एम्पायर की राइटिंग्स है, अभी मुझे समझ नहीं आता है। अभी हम इधर से अंदर जाते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है। रश तो बहुत ज़्यादा है, ये गेट है, कितनी बड़ा गेट है, लंबाई और ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा है। ये तो पहले हमको एक हॉल नज़र आती है, इधर भी बाबी सादे आगा होती हैं। मैं बताती हूँ ये लोगों की ना रोल क्या था, सादे दौर क्या है, मैं वही बताती हूँ। ये दौर में जब सुल्तान्स ने, ठीक है, सुल्तान की अपनी शख्सियत की कमरा की एंट्री इधर सी है। इधर ही से आर्मी जब वॉर के लिए जाती थी सारी ना इसी जगह पे यही हॉल में एंट्रेंस होती थी, और सारी इवेंट ना इधर ही होती थी, इसलिए ये गेट का नाम है सादत गेट। अभी हम अंदर जा रहे हैं इसके। ये जगह है थर्ड फोर्ट। थर्ड फोर्ट की अंदर क्या है, फातिह सुल्तान महमूद ने 1451 से 1481 जब नॉन तुर्किश लाइक नॉन तुर्किश लोगों की लाइक फलास की बाहर से दूसरी कंट्रीज़ की छोटी बच्ची और लड़का इधर आती थी, उनकी एजुकेशनल और उनकी पढ़ाई और उनकी आर्मी का सारी रोल यही फोर्ट के अंदर होती थी। और ये है इन तुर्किश वी कहते हैं सफाली कोशु डॉर्मिटरी ऑफ कैंपेनर्स। अभी हम इधर के अंदर जाते हैं। इधर ही से आपको सुल्तान्स की कपड़े और उनकी, हम उसको खफ्तान कहते हैं, ये वो सारी नज़र आएगा।
यार ये मुझे तो कुर्ता ही लग रही है, कसम से ये कुर्ता है। ये है आर्मर्ड कफ्तान ओटोमन एम्पायर की 15th सेंचुरी की। ये फातिह सुल्तान मेहमेद की है, उन्होंने फातिह सुल्तान मेहमेद की सिल्क कलर में आर्मर्ड कफ्तान बना दिया है। मजे किए जब, अगर आप लोगों ने हुर्रम सुल्तान का ड्रामा देखा ना आपको इधर से पता चलेगा। ये शूज है, ये भी सुल्तान की कफ्तान है, ये ना कॉटन से बना चुकी है और सिल्क एंड कॉटन से बन चुकी है। ये सुल्तान सेलिम की है, सुल्तान सेलिम की कफ्तान है। दिस इज पेंटेड एक शर्ट है, ऊपर सारी कुरान से आयत और सूरह है। आई थिंक ये सारी ये लाइन की है ना, ये सारी कुरान की आयतें और सूरह ही लिखा है। बाय द वे ये सारी हैंड से एक एक लिख दिया है, उस टाइम तो प्रिंट का सिस्टम तो थोड़ी थी, ये सारी उन्होंने हैंड से अलग अलग लिखा जाती थी। ये भी ओटोमन एम्पायर की 16th सेंचुरी से है। सबसे इम्पोर्टेंट आइटम ये है, सुल्तान थर्ड मुस्तफ़ा की सुइट है। ये आर्म जब वॉर पे जाती थी ये वाला सुइट वो लोग कपड़े पहनती थी सर पे भी, ये भी क्योंकि ये बिल्कुल ना आर्मर्ड कपड़ा है, उसकी तलवार और उसकी शूज। और हमने एग्जैक्टली ये पैलेस की ना सबसे मजे की पार्ट में आया, ये पार्ट है थर्ड कोर्ट यार्ड की निकलने के बाद आती है। यार सोच लो आप सुल्तान है, आपको कॉफी लेके आके इधर ही से, ये बिल्कुल बोस्पोरस ब्रिज, उस टाइम तो बोस्पोरस ब्रिज थोड़ी थी। ये सारी जगह ऐसा लग रही कि ना ये यूरोप साइड है, ये एशिया साइड है। ये वाला मेडन टावर आपको नजर आती है, बहुत मजे की यार जगह, बहुत मजे की है। ये बिल्कुल सुल्तान्स और सुल्तान्स की बीवी एंड बच्चा के लिए ये स्पेशल कॉरिडोर है। ये भी बिल्कुल मारमारा सी के ऊपर है, ऐसे इधर से स्टार्ट करती हैं ये कॉरिडोर के एंड तक आपको बोस्पोरस व्यू का नज़र आ रही है। और मैं आपको ये बताती हूँ लोग के लिए ना थोपकापा पैलेस कहाँ तक जाती हैं, ऐसे इधर ही से आपको नज़र आती है ना ये सुर, ये है थोपकापा पैलेस की एंड। ये सारी आपको समंदर का व्यू नज़र आ गया। यार सुल्तान से कितनी अच्छी जगह में रह चुकी हैं। अभी अजान भी हो रही है, आप लोग अजान सुन लें और ये व्यू देखें। पैलेस की ना सब जगह एक गार्डन में निकलती है आई थिंक ओटोमन। ओह माय गॉड ये देख, ये वाला फ्लावर चेक करें, इसको आप इसे नहीं तोड़ सकती हैं, बट इतनी वाइट, हम इसको पपातिया कहती हैं, इन्होंने इतनी मजे की मेंटेन की है। अभी हम इधर से निकलती हैं आगे, ये है उनकी खुलिया। खुलिया में क्या होती थी, इस्लामिक क्लासेस होती थी इधर भी। अभी सारी इधर की अंदर काफ़ी ज़्यादा गेट है और काफ़ी ज़्यादा गार्डन्स है। ये एक और गार्डन है, इधर की नीचे भी आपको एक और गार्डन नज़र आती है, बहुत बड़ा है। कुछ बनाई है मैंने इधर आया, मेरे को क्या मज़े कि ये महल देख, नीचे ना लोगों के कुछ विश कर लिया है और अंदर भी ना पैसा फेंक दिया है। खास मैं अभी नीचे जाके ना सारे पैसे ऐसे ना पकड़ लूँ, काफ़ी ज़्यादा पैसा है और इसके अंदर यूरो डॉलर्स भी है। हम अभी आ चुकी है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल पार्ट इधर ही है। ये एक एक दिखाती हूँ। ये है पोस्ट फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द काबा और इधर
आसान नजर आती हैं। ये ओटोमन एम्पायर की सुल्तान फर्स्ट अहमद की हैं, ठीक है। ये भी मस्जिद नबवी है ना, उसकी कुब्बे से इन्होंने सीलिंग निकाल दिया है, ये वही है। और ये वाला दरवाज़ा की बात करना चाहती हूँ, ये है द विंग ऑफ द रेपिटिन स्टोर, या कि खावा के अंदर ना थोबा वाला दरवाज़ा है, ये उसकी एक पार्ट है। और ये स्टाफ ऑफ द प्रोफेट मोसेस, हजरती मूसा की आशा है। और मैं अभी तक, मुझे ये यकीन नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें ना तुर्की में है, मुझे इसकी यकीन नहीं हो रही है। अभी मैं आप लोगों को एक एक दिखाती हूँ। ये है फूट प्रिंट ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अवर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूट प्रिंट है। यार क्या मैं इतनी रिग्रेटफुल हूँ ना, मैं पहले इधर क्यों नहीं आ चुकी हूँ। आर्म एंड स्कल बोन्स हजरती याहया की अलैहि वसल्लम, ये अंदर से ये वाला स्कल है, ये वाला आर्म की बोन्स है हजरती याहया अलैहि वसल्लम। इधर से ये छोटी नजर आती ना, दिस इज द सील ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर से बहुत छोटी सी है, ये लोग आपको ना ऐसे वो रखा है, बहुत बड़ा नज़र आती है। ये भी अवर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये उसकी पौध है और इसके अंदर से पानी पीती थी। ये सबसे ऊपर वाला अवर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याय है, ब्लैक हम उसको याय कहते हैं। ये थर्ड वाला रो में भी अवर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्वॉर्ड है, लाइक तलवार है। ये सारे मैं नज़दीक से आप लोगों को दिखाती हूँ। वो सुल्तान के इलाके में बिल्कुल समंदर का व्यू था। ये जगह है सुल्तान की पूरी बीविया और उसकी हम लाइक फेवरेट्स वन कहती हैं, उनकी कमरे ही इधर होती थी। ये जगह है ऐसे बाहर आके फिरने के लिए। सुल्तान की थी समंदर का व्यू और उसकी बीविया और उसकी हरम की व्यू भी, ये गलता थावर की व्यू है, ऐसे बिल्कुल इधर से गलता थावर नज़र आ रही है, बहुत अच्छी है। यार ऑल ओवर इस्तांबुल में आके अगर आप लोगों ने थोपकाबा पैलेस विजिट नहीं किया तो आप लोगों की विजिट ना कंप्लीट नहीं हो जाएगा। मुझसे जितनी हो सकती थी उतना ही मैंने आप लोगों को थोपकाबा पैलेस दिखाया। जिसने हुर्रम सुल्तान की मूवी देखा और वही लोग ये थोपकाबा पैलेस देखना ही चाहती थी। और हमने अभी इधर से निकलती हैं, बहुत भूख लगा, अभी जाके कुछ खा के और कोई और फेवरेट जगह है मेरी इधर एज ए टूरिस्ट जाके वही जगह फिर लेंगे। टूरिस्ट होना कितना मुश्किल काम है। हमने थोपकाबा से ट्राम ले लिया, दो स्टॉप के बाद हम पहुंच गए एमिनोनी, क्योंकि एमिनोनी में स्पाइस बाजार है, जाके स्पाइस बाजार फिर लेंगे। टूरिस्ट अगर एमिनोनी में आ गया, ऑब्वियसली स्पाइस बाजार तो आना ही बनती है। ये है एमिनोनी में स्पाइस बाजार, इधर आपको वाकई स्पाइसेस मिलती हैं, सेवन ईयर्स मिलती हैं, टर्किश डिलाइट मिलती है, बकलावा मिलती है, ब्रेकफास्ट की चीज़ें मिलती हैं, इवन सोना तक भी इधर आपको मिलती है। अभी थोड़ी सी ये स्पाइस बाजार को देख लेती हैं। इधर ना बहुत अच्छी टर्किश कप और ग्लासेस हैं, ये उसकी सुकून है ना। इधर चीनी डालती हैं, ये भी टर्किश चाय के लिए टर्किश कप है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इधर टर्किश डिलाइट्स है, एक केजी है 296 टर्किश लीरा, इन्होंने एक्सट्रीमली महंगा ही कर दिया है। आज मैं भी टूरिस्ट हूँ इसलिए मैंने भी खाया। अरे ये क्या टेस्टी है, नहीं नहीं अच्छा है, ये डिलाइट नहीं है, ये थोड़ी ना अंदर ऐसे लग रही है क्रीम उन्होंने डाल दिया है, लेकिन टेस्ट अच्छी है। यार इसे टूरिस्ट लाइफ, जिंदगी कितनी मुश्किल है,
फिर के स्पेशली ना वो थोपकप पलास में ऐसे लग रही है कि आई थिंक एक पूरा दिन बस थोपकप में देना है, उसके बाद वो आज का दिन खत्म करनी है। हमने थोपकप से आया एमिनोनियो, अभी स्पाइस बाजार पीने के बाद हम आया खाना खाया, मैंने डोनर का ऑर्डर दे दिया। अगर तुर्की में आए तो ओबियसली तुर्कीज डोनर खानी है। अभी हमारे खाना आ रही है, टेस्ट कर लेंगे। ओ हमारी बराबर चिकन वाला आया और ये गोश्त वाला डोनर है, एग्जैक्टली एक काइंड पे आया। ये हमारे चिकन वाला है और इधर हमारे एक सॉस है, उन्होंने खुद बनाई है, उसके अंदर कुकुम्बर टमाटर और सम लोग रेड चिली ग्रीन चिली वगैरह है। बहुत ऐसे इतनी पतली सी गोश्त का लेयर और इसके ऊपर ना थोड़ी सी वो सलाद की पत्ती और बिल्कुल ना गोश्त की स्मेल नहीं आ रही है। ठीक है पकड़ो, सेकंड बार गोश्त इतने फ्रेश है ना, ये चिकन डिनर इतनी जूसी है, बहुत जूसी है। और इसलिए ना आप जब मुंह पे डालती है ना ऐसे बुलाई की जैसे ना ऐसे तोड़ के निकलती है, बहुत अच्छा। वन डे एज ए टूरिस्ट का हमने वीडियो की एंड में आ गया, मैं बहुत ज़्यादा थक गया। आप लोगों का ना एक दो तीन टिप देना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने तुर्की में आके कुछ ट्रैवल करना चाहती हैं ऐसे ही आपने रूट बनाए कि ताकि ना रास्ता में आपको भी ज़्यादा मुश्किल में ना डाल दें। हमने स्टार्ट किया था हजी सोफिया, हजी सोफिया की बाई वॉक हमने आई थी थोपकप पलास, उधर से ट्राम लेके दो स्टॉप के बाद हम एमिनोनी में आए। एक दिन में हमने 3 मेन हिस्टोरिकल प्लेसेस कवर कर दिए, हमारी खाना भी खा लिया। आज मैंने टोटल खाना के साथ 400 तुर्किश लीरा खर्च कर दिया। ये मैं एक पर्सन की बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली आप जब कितनी परसेंट होती है इतने ही तो प्राइजेस बढ़ जाती हैं। अगर आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।